चिरी ग्राम पंचायत के गरीब लोगों के लिए भी फूड पैकेट तथा अनाज किट का वितरण किया गया। सरपंच द्वारा इस कार्य के लिए सराहना भी की गई। वापी विस्तार में चिरी ग्राम पंचायत में इस लॉकडाउन के दरमियान फूड पैकेट तथा अनाज किट का वितरण किया गया। गाँव के लोगों के लिए शाह पेपर मिल तथा जगदीश मेडिकल की मदद से फूड पैकेट तथा अनाज वितरण किया गया। साथ ही छिरी ग्राम पंचायत के सरपंच नूरू भाई द्वारा इस अद्भुत कार्य के लिए सराहना भी की गई। साथ ही सभी धार्मिक संस्थाओं से अपील की गई कि ऐसा वह कोई भी कार्य ना करें जिससे कि भीड़ इकट्ठा हो सके। पुलिस की उपस्थिति में यह पूरा कार्य किया गया। आज आपके थ्री ग्राम पंचायत के अध में किट वितरण का जो आयोजन किया गया है, तो किसका किसका सहयोग है और खास करके कितने लोगों को आज किट का वितरण? कल जगदीश मेडिकल वाले की तरफ से 240 किट हम लोगों ने रामनगर में दिया है, श्री रामनगर में। और ये कुछ 250 किट साफ एफ एम एल वाले ने महेंद्र भाई साहब ने भेजा है। और इंडस्ट्रियल वालों से मेरी अपील है कि जो छिरी गांव में गरीब तबके के काफ़ी हद तक लोग हैं और उनको सहयोग दिया जाए और दे भी रहे हैं। और रिक्शा चलाने वाले, सुतार काम करने वाले, करिया काम करने वाले, नाई पान का गला चलाने वाले, ऐसे लोगों के लिए सरकार का भी तरफ से सहायता है, क्योंकि कल से एक जीआर आया है नया, जिसमें फॉर्म भर के भेजेंगे तो उनके अकाउंट में सीधा पैसा 230 रुपया पर डे का सरकार देने वाली है। लेकिन जो लोगों को, ऐसे भी लोग हैं जिसमें मैं हजारों में कह सकता हूँ, 15-20 हज़ार लोग छिरी गाँव में ऐसे लोग रहते हैं कि रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग थे, जिनका घर चलना उनका मुश्किल काम हो गया है। लेकिन बहुत सारी संस्था ऐसी हैं जो लोग यहाँ आके वितरण करते हैं, पंचायत के संपर्क में आते हैं, पंचायत के मेंबर को, सरपंच को, पुलिस अधिकारी को भी लेते हैं साथ में, और पुलिस अधिकारी भी उसमें पूरे से पूरा सपोर्ट करती है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि छिरी गांव के लोगों को खास करके मैं अपील करता हूँ कि इतना सब कुछ सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है, लोगों की तरफ से सहायता मिल रही है, संस्था की तरफ से सहायता मिल रही है, तो लोगों को घर में रहना चाहिए। सरकार की जो सरकार ने जो इसकी लॉकडाउन का जो इसने जाहिर किया है नरेंद्र मोदी, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, इसलिए मुझे दुख की बात है। और उसकी पालन करने के लिए मैं खास करके हाथ जोड़ के लोगों से अपील करता हूँ। और सरकार की ओर से जो आज से अनाज वितरण का भी आयोजन किया गया है, जो BPL के धारक कार्ड धारकों को अनाज फ्री में देने वाले हैं, फ्री में। इसमें कितने लोगों हैं आपके गांव में? नहीं, काफ़ी हद तक लोग राशन कार्ड वाले हैं। राशन कार्ड पे जो वितरण हो रहा है आज से, आने वाले 3 दिन में किया जाएगा। 3 दिन के बाद में जिसकी राशन कार्ड बंद हो चुके हैं उनको भी दिया जाएगा। धारा सभ्या कनु भाई देसाई से मेरी उससे बात हुआ है, इस टाइप का उन्होंने कहा कि भाई राशन कार्ड जिसका बंद हो गया है और गरीब आदमी है उसको भी दिया जाएगा, और जो अमुक गरीब हैं उनको उनके तरफ से भी सामान दिया जाएगा। उन्होंने खास करके मुझे कहा है कि आप अपने गांव के लोगों के बारे में ध्यान रखिए, चिंता करने की कोई विषय नहीं है, जो भी सहयोग होगा हम लोग पूरे से पूरा मिलकर के सहयोग करेंगे। लोग भूखा ना रह जाए, खास करके ध्यान दीजिए, अगर कोई भूखा परिवार आता है आपके पास तो उसको तुरंत फोन दिलाओ, वो मैं उसका समय देता हूँ। तो खास करके निजामुद्दीन में जो घटना हुई है उसके बारे में आपका क्या मंतव्य है? क्या उसका वो तो बहुत गलत हुआ है। जब सरकार ने जाहिरत कर दिया कि भाई 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कोई संस्था में ओपन नहीं रह सकता है, चाहे वो मदरसा हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, कोई भी जगह पे आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो उसका कानून का उल्लंघन किया है, इसीलिए कायदे से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक गांव के सरपंच भी है और आपके गांव में भी मस्जिद है, तो आप क्या सुझाव देंगे आपके लोगों को और आपके गाँव लोगों को? मेरे गाँव में जितनी मस्जिदें हैं, अपने गांव में कम से कम मेरे हिसाब से 4 मस्जिदें हैं, और हमने जाकर के लोगों से अपील की है कि मस्जिद के अंदर इमाम होते हैं जो नमाज़ पढ़ाते हैं, मौजिम होते हैं जो अजान पढ़ते हैं, अदर एक आदमी को देख रेख के लिए होता है, वो 3 आदमी के सिवा चौथा आदमी नहीं होता होना चाहिए मस्जिदों के अंदर। मैं तो कायदे से कार्रवाई होगी, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अभी, और लोगों ने उसका पालन किया है। और इसके अंदर मस्जिद में आज शुक्रवार गया, शुक्रवार को लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, लेकिन पिछले शुक्रवार को महत्वनी लोग थे, चौथा लोग वहाँ पे कोई था नहीं, आज भी कोई वहाँ रहता नहीं है। और मस्जिद मदरसे में यहाँ कोई रहने वाला, कोई स्कूलों में अपने गांव में कोई भी स्कूल होता है, इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो या मदरसा हो, उसमें पढ़ाया जाता है, किसी में कोई वहाँ है नहीं, आ सकते सब खाली।